हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जैसा आपने देख लिया है थंबनेल पर, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये कोई क्लिक बेट नहीं है बल्कि एक ट्रुथ है। अगर आप रोज़ ये दो काम करेंगे तो आप हमेशा डॉक्टर से दूर रहेंगे, आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दो काम कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंत्र टोटके नहीं है और ना ही कोई मुश्किल काम है। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कौन से दो काम है ये। पहला काम जो सीधा आपकी सेहत से जुड़ा है वो है आपकी डाइट, आपका खान पान, आप क्या खाते हैं, कितना और कब खाते हैं, इन सब का सीधा असर आपकी हेल्थ से जुड़ा है। अगर आप गलत चीज़ें या हेल्थ को, आपकी सेहत को नुकसान करने वाली चीज़ें खाते हैं, या फिर आप बार बार खाना खाते रहते हैं या बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो आप अपनी सेहत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। जितना आप गलत खाना खाएंगे, जितना आपका आहार गलत होगा, उतने ही आपका शरीर भी खराब होगा। विचार तो जो होंगे वो होंगे, शरीर भी खराब होगा। अब सही खान पान के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ें खाएं, सीधा सिंपल वेजिटेरियन फूड। जी हाँ, मैं यहाँ पर स्ट्रेस दूंगी वेजिटेरियन फूड के ऊपर, क्योंकि हम इंसानों के लिए प्रकृति ने अथाह खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध करा रखी हैं जो कि फल सब्जियों के रूप में मौजूद हैं और इनमें स्वाद भी होता है। इसलिए हमें नॉन वेज या नॉन वेजिटेरियन फूड से दूर रहना चाहिए। इसलिए सीधा सिंपल फूड, वेजिटेरियन फूड, सलाद, दूध, दही, फल, ये आपकी सेहत को ठीक करने और ठीक रखने के लिए काफ़ी हैं। बस ये ध्यान रखें कि जो भी खाएं वो सीजनल हो, बेमौसम के फल सब्जी खाने से बचें, प्रिजर्वेटिव से फ्री हों, हाइजीनिक हों, साफ सुथरे हों और सबसे बड़ी बात मिलावटी ना हो। साथ ही इसमें जुड़ा है पानी पीने का नियम, जो कि अपने आप में काफ़ी रोगों से बचाने में सक्षम है अगर आप सही तरीके से पानी पीते हैं। पानी कब और कैसे पीना चाहिए ये एक ज़रूरी बात है और इसके ऊपर मेरा एक वीडियो अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक करें। अगर आप सही तरीके से पानी पीते हैं तो ये अपने आप में ही कई रोगों की दवा है। दूसरा काम जो आपको सेहतमंद रखेगा, जो कि आज की कंफर्ट लाइफ को देखते हुए पहले काम जितना ही ज़रूरी हो गया है, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, जिमिंग शामिल होते हैं। इन सभी की अपनी अपनी खूबी होती है, अपने अपने गुण होते हैं और अपने अपने फ़ायदे होते हैं। पहले के ज़माने में जब लोग सब काम खुद कर लेते थे और मीलों दूर तक पैदल चल लेते थे तो उनकी सेहत भी ठीक रहती थी, इसलिए उन्हें इस दूसरे काम को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी उनसे ही उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी। साथ ही उस ज़माने में मिलावटी खाना भी नहीं मिलता था, हर चीज़ अच्छी होती थी, बिना मिलावट की होती थी और स्वाद के साथ स्वास्थ्यवर्धक भी होती थी। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके फादर मदर, ये ग्रैंड पेरेंट्स या उनकी एज के आसपास के लोग बीमार भी कम होते हैं और उन्हें बुढ़ापे में हेल्थ इश्यूज़ देखने को अब मिल रहे हैं जब वो बूढ़े हो गए हैं। पूरी जवानी उन्होंने एक खुशहाल ज़िंदगी जी है, वहीं हम यंग लोग अभी से कुछ ना कुछ बीमारियों से या रोगों से घिरे हैं, चाहे घुटने का दर्द हो, कमर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो या कुछ और हो। ये सब जहां 60 साल की उम्र की दिक्कतें हुआ करती थी, वो अब 30 के अंदर ही शुरू हो चुकी हैं। वजह है हमारी लाइफस्टाइल या फुल ऑफ कंफर्ट लाइफ, जहां हम पड़ोस में जाने के लिए भी पैरों को कष्ट नहीं देना चाहते, हम अपनी कार, स्कूटर या बाइक का सहारा लेते हैं। साथ ही ज़रा ज़रा सी बातों का स्ट्रेस लेना हमारी आदत बन चुका है, पर हम इस बात से अनजान हैं कि अगर हमने अपना स्ट्रेस्ड कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा तो इसके भयंकर परिणाम हमको आगे चलकर देखने को मिलेंगे। पहले लोगों के पास सुख सुविधाएं ना के बराबर होने के बावजूद भी वो एक पीसफुल सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीते थे और आज सभी सुख सुविधाएं होते हुए भी हम चिंताओं से घिरे हैं। हम उन सुख सुविधाओं का इस तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमें अपनी चिंताओं से मुक्त कर सके, क्योंकि हम अपने काम दूसरों पर टाल देते हैं, दूसरों पर छोड़ देते हैं या अपने शरीर को हम कष्ट नहीं देते हैं, इसीलिए वो आराम करता है और दिमाग चलता है, और दिमाग जब चलता है
तो वो सिर्फ चिंताओं के बारे में सोचता है। आज दिमाग यही सोचता है कि मेरे पास क्या नहीं है, वो ये नहीं सोचता कि मेरे पास क्या क्या है जो औरों के पास नहीं है, लेकिन दूसरों को देखकर उसके मन में इतनी लालसाएं होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और इसी चिंता में, इसी सोच विचार में हम डूबे रहते हैं। इसलिए एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर आप भी कौन सी एक्सरसाइज करें सोचकर मेरी तरह कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको कोई शारीरिक दिक्कत नहीं है, कोई भी आपको बीमारी नहीं है, कहीं कोई दर्द नहीं है, तो सुबह प्राणायाम के साथ अलग अलग आसन करें, उसके बाद मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं, इसके बाद चाहे तो आप कभी पीटी के कुछ स्टेप्स कर लें जो हम स्कूल में किया करते थे, या कभी डांस कर लें, कभी जॉगिंग कर लें, और शाम को वॉक पर जाएं, या कभी कोई स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल खेल लें। स्विमिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। क्या आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स बहुत अच्छे स्ट्रेस बस्टर या डी स्ट्रेसर्स हैं, इसलिए इन्हें इवनिंग शेड्यूल में शामिल करें, जिससे पूरे दिन की थकावट और तनाव ख़त्म हो सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों कामों को करने में आपके 2 घंटे से ज़्यादा भी नहीं लगेंगे, मतलब 24 घंटों में से सिर्फ 1.5 से 2 घंटे, जो कि पूरे दिन के टाइम का सिर्फ 7% होता है। अब इतना टाइम तो खुद को आप फिट रखने के लिए दे ही सकते हैं और देना भी चाहिए। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। अगर आप किसी स्पोर्ट क्लब, जिम, योगा ट्रेनर या मेंबरशिप भी ज्वाइन करते हैं, तो उनकी फीस डॉक्टर की फीस से, उनके टेस्ट से और दवाइयों पर होने वाले खर्चों से बहुत ही कम होगी। साथ में मज़ा आएगा, वो अलग। तो ये थे वो 2 काम जो आपको डॉक्टर से हमेशा दूर रखेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि फॉलोइंग दीज 2 रूल्स एवरी डे विल कीप द डॉक्टर अवे। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताएं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।